हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग एफ ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो एफ ब्लॉक में मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीट करवा दिया था। उससे मैंने एक उसके बाद एक लेक्चर करवाया था। उसके बाद मैंने बोला था कि दो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं। किस किस के? एक तो आप लेंथ एंड सीरीज आप कैसे याद रखेंगे उसकी, और सेकेंड लेक्चर है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोर्थ लेक्चर क्या बता रहा है? फोर्थ लेक्चर ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड लिखवाया है, जो बच्चे रट्टा मारते हैं, मैंने भी एक बार रट्टा मरवाया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं था कि हम समझ लेते। तो आज मैं आपको वो बताऊंगी कि ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखो, आज के लेक्चर में ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? लेंथ एंड होल्स की। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर जाते हैं, सिंपल फिल हो जाती है, बट एक्सेप्शन कहाँ पे आता है? आपके पीआर में। ठीक है, और कहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है आपके? देखो, जीडी में, देन आते हैं आपके इसमें। मतलब ये तीन आपके एक्सेप्शन आ रहे हैं, जहां पे कि आप क्या लगता है यहाँ पे टू आना चाहिए, फोर एफ टू आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहे हैं? फोर एफ थ्री आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? और यहाँ पे देखो, फोर एफ एट आना चाहिए, लाइन वाइज हम फिल कर रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे तो फोर एफ एट आया नहीं। और चलो, यहाँ पे तो बात खत्म हो जाती है ल्यूटेटियम में, क्योंकि एफ है, सॉरी, ये फोर एफ 14 ही होता है। एफ के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन से फिल कर सकते हैं, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिल नहीं कर सकते ना, तो इसलिए ये तो आपको समझ आ जाएगा। चलो, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये ट्रेंड बन गया? तो इसका रीजन अभी हम देखते हैं। देखो, सबसे सिंपल है, इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या होगा? देखो, पहले ना मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करती हूँ इन दोनों का। देखो, ध्यान से देखो, फोर एफ क्या है? सेवन है। आपको पता है अगर हम एस एफ ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हमने 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया? आपका हाफ फिल्ड हो गया। ठीक है, अगर ये हाफ फिल्ड है, आपको पता है जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो फुली फिल्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसलिए जो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर हम 4F7 वाली लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। हम देखो, आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो हो चुकी है 4F, अगर हम EU की देखते हैं, EU की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4F7 5D0 and 6S2। ठीक है, उसके बाद आपकी जीडी कॉन्फ़िगरेशन आती है 4F7 5D1 and 6S2। अब आप बोलोगे मैम इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं हो गया, हमें ये लिखना चाहिए था 4F8 5D0 and 6S2। बस ऐसा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है मैम, ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखो, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। अगर यहाँ पे आप एफ में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कितने जाते? 8 हो जाते, ऐसे बन जाती ना। अब ये देखो, अगर मैंने बना दिया तो 8 हो गया और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखो हाफ फील्ड है, नहीं हुआ ये हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कब होता है? जब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते। अगर हाफ फील्ड नहीं है तो मतलब स्टेबल नहीं है। और हमें पता है कोई भी आपका एलिमेंट होता है वो हाफ फील्ड या फुली फील्ड बनाएगा तब ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर मैं ये लिखती हूँ तो आपको क्या होगी? F7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो, हाफ फील्ड होगी ना ये, तो हाफ फील्ड बन गया, स्टेबल हो गया, इसलिए हमने 8 में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल के किसमें डाल दिया? हमने एफ ऑर्बिटल में डाल दिया। ठीक है, सिमिलरली जो आपका ल्यूटेटियम है, इसमें भी 14 वाले इलेक्ट्रॉन है, जो ये एफ 14 में क्यों डाला? इसका भी रीजन सिंपल सही है। ये तो आपको सिंपल ही बात है, क्योंकि एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते, तो उसके बाद इसमें किसमें चला गया इलेक्ट्रॉन? डी में इलेक्ट्रॉन चला गया। ये तो चलो एक्सेप्शन की बात है ही नहीं, लेकिन ये और ये तो एक्सेप्शन की बात है। इसका रीजन आपको समझ आ गया होगा किस लिए डाला हमने, ताकि क्या बन जाए? हाफ फील्ड बन जाए। अगर हम 8 में डाल देते, एफ 8 बना देते, तो आपका हाफ फील्ड नहीं रहता और ये क्या हो जाता? अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, अब बचती है बात किसकी? आपकी पीआर की, कि हमने मैम पीआर में ऐसा इलेक्ट्रॉन क्यों डाला? 4F हमने 4F3 क्यों किया? हमने पीआर में क्या किया है? 4F3 5D0 and 6S2। पीआर ये किया ना हमने, लेकिन आपकी जो क्या था, सीरियम था, सीई था, उसमें क्या था? 4F1 5D1 and 6S2 ये था। अब आप बोलते हैं कि मैम अगर आपको पीआर की लिखनी थी कॉन्फ़िगरेशन, तो आप ऐसे लिख सकते थे 4F2 5D1 and 6S2, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं डाला, आपने इलेक्ट्रॉन डी में नहीं डाला, डी से निकाल दिया, ऐसा क्यों? देखो, जैसे हम सीरियम टू ल्यूटेटियम, देखो आप अपने ग्रुप में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। तो देखो, आपका ये सीरियम है, ठीक है, और यहाँ पे मैं पीआर लिख रही हूँ। ठीक है, तो सीरियम के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पे न्यूक्लियस है आपका, दोनों का न्यूक्लियस तो सेम ही पोजिशन पे होगा। सीरियम के केस में क्या होगा? ये 4F का, ये 5D है और ये आपका 6S है। ठीक है, अब अगर न्यूक्लियस ने फोर्स लगाया तो न्यूक्लियस क्या करेगा? 4F को अपने पास खींच लेगा। इसके पास खींचने का मतलब क्या होगा? 4F कहीं यहाँ चला गया। ठीक है, ये हो गया आपका 4F। ऐसे जो आपका 5D है वो यहाँ चला गया, ठीक है, और 6S भी थोड़ा सा आगे आ गया। अब देखो, जो इनके बीच का गैप है ये इतना है, मतलब कम में गैप। बट इन केस अगर मैं बनाती हूँ किसका
पीआर का बनाती हूँ, तो ये आपका 4F है, ये आपका 5D है, आपका 6S है, ठीक है। अब अगर ये शिफ्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, शिफ्ट होके कहाँ जाएंगे, देखो नीचे जा रहे हैं हम, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज कर रहा है। अगर न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो एफ को क्या करेगा, 4F को और अपने पास खींच लिया, मतलब 4F को ये यहाँ ले आएगा, ठीक है। 4F यहाँ आ गया, लेकिन जितनी तेजी से 5D को जाना चाहिए था न्यूक्लियस के पास उतनी तेजी से नहीं जा पाता, क्यों, क्योंकि ये 4F में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे, इसको रिपल्शन प्रोवाइड कर रहे, तो 5D इतना क्लोज नहीं जा पाता, तो इसलिए वो कहाँ रुक जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे रुक गया तो इसका एनर्जी गैप देखो कितना ज्यादा है ना, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, और 6S तो आपको थोड़ा सा हिलता है, यहाँ पे आपका 6S आ गया। अब देखो हमने आपको क्या बताया कि आप सीरियम से पीआर की तरफ जाते हैं तो क्या हो गया, जो आपका एनर्जी गैप है किसके बीच में, 4F एंड 5D के गैप में जो एनर्जी गैप है ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। अगर एनर्जी गैप इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, 4F पे आपका जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डल रहा है उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज्यादा तेजी से खींच रहा है, और अगर न्यूक्लियस उसको ज्यादा तेजी से खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाना पसंद करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जाएंगे ना, क्योंकि 4F को आपका जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा तेजी से खींच रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें गए हैं, आपके 4F में गए हैं, 5D में नहीं गए हैं। तो देखो यहाँ पे इसलिए जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है 4F2 5D1 नहीं बना, किसमें गया है, 4F3 5D0, क्योंकि F का जो न्यूक्लियर फोर्स, F के पास जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर फोर्स है वो क्या लग गया 5 के कंपैरिजन में ज्यादा लग गया, और D देखो कितना दूर हो गया, D अगर दूर हो गया आपका, D 4F और 5D के बीच में एनर्जी गैप अगर आपका ज्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाना प्रेफर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स किसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा रीजन था कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें एक्सेप्शन क्यों आता है, तो आई होप आपको ये एक्सेप्शन वाली चीज समझ आ गई होगी, और अब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रट्टा नहीं मारना पड़ेगा एफ ब्लॉक ले तो लेंथ नोट्स का समझा दिया, आपके नोट्स का तब समझेंगे, लेकिन अब मेरे लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन का रट्टा कोई भी बच्चा नहीं मारेगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी लेंथेनाइड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या बोलेंगे, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो, वो क्या होती है, +3 होती है। अब ये क्यों होती है और या फिर इनके अलावा और कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नहीं होती, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।